उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बीते दिन कोरोना वायरस के AY.12 वेरिएंट का पहला मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला अधिकारियों ने कहा कि वेरिएंट का मामला पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में दर्ज किया गया। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मामले को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, साथ ही मरीज को घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम लगातार मरीज की निगरानी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि मरीज के संपर्क में आए सभी रिश्तेदारों और अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है और साथ ही उनकी जांच भी की जाएगी। पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री ली जा रही है, साथ ही मरीज के संपर्क में आए परिजनों व अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। क्या है AY.12? भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने AY.12 को SARS-CoV-2 वायरस के डेल्टा संस्करण के उपवंश के रूप में है। देश के कई राज्यों से वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। ये उपवंश इजराइल में कोरोना वायरस के मामले से जुड़ा है। बता दें, इसाकोंग के मुताबिक डेल्टा और AY.12 दोनों के बीच काफी हद तक एक जैसे माने जा सकते हैं, हालांकि इनमें कुछ असमानताएं जरूर है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।